हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एमके जर्नी के अंदर आपको आज भुजिया डूंगर के बारे में बताऊंगा। आप मेरे साथ जर्नी के लिए चलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा यहाँ पर आया कैसे जाता है। इस तरफ आप देख सकते हैं जो रेलवे स्टेशन की ओर रास्ता जाता है, और इस तरफ आप देख सकते हैं जो बस स्टेशन की ओर रास्ता जाता है। दोनों जगह पे सेम डिस्टेंस है, आप ऑटो से भी आ सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो आपको डूंगर दिख रहा है वो भुजिया डूंगर है, और उसके ऊपर जो टेम्पल है, मंदिर है, वो भी वहाँ पर हम जाने वाले। ये देखिए सर, मेन गेट है, यहाँ पर हम देखेंगे शहीद वन लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब हम हमारी जर्नी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको सारे लोकेशन दिखाऊंगा जहाँ पर आप आ सकते हैं। और यहाँ पर आप हिल के ऊपर जाके आप फोटो सेशन भी करवा सकते हैं। फील होगा कि वॉल ऑफ चाइना ही जैसा यहाँ पर लोकेशन है। और ये आप देखिए, फिर अपनी आगे की जो जर्नी है वो हम स्टार्ट करेंगे। आप इस मंदिर को देख सकते हैं, अभी इसमें ताला लगा हुआ है। एक्चुअली टाइम 4:30 या 5 के आसपास हुआ है, तो मंदिर शाम को खुलेगा। आप इस देख सकते हैं, ये भुजंग देव खेतर पार दादा का मंदिर है, और ये मंदिर से आपको बाहरी व्यू दिखाता हुआ मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख लीजिए आप किस तरह से ये मंदिर है। यहाँ से सारा भुज शहर आपको दिखाई देगा, और रेलवे स्टेशन भी सामने ही है। अब हमारी असली जर्नी यहाँ से शुरू होगी। यहाँ तक आने का रास्ता तो सही था, लेकिन यहाँ रास्ता थोड़ा बहुत मुझे पत्थरों वाला दिख रहा है, आपका पैर भी फिसल सकता है, इस तरह का रास्ता है। लेकिन आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस रास्ते में भी चलने में। मैं आपको जो हिल है उसके ऊपर जो मंदिर है वहाँ तक का पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे, फॉलो भी कर दे, और सब्सक्राइब भी कर दे मेरे इस चैनल को। मेरे चैनल का नाम है एमकेएस जर्नी। तो प्लीज़ आप याद रखिए और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको इस तरह के और वीडियो भी आपको मैं दे सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। आप देख सकते हैं सामने जो मंदिर है, हमें वहां तक जाना है, और वहां तक जाने के लिए हमें ये रास्ता पार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहां पर अभी खड़ा हूं, जो कि मुझे थकान से महसूस हो रही है। ये देखिए रास्ता किस तरह का है, आप देख सकते हैं। मेरे पाँव में ये सूच के अंदर से मुझे पैर के अंदर कांटा घुस गया है। आपको यहाँ पे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं होगी, आप बिंदास यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए रास्ता थोड़ा सा ख़राब आता हुआ, ये देखिए। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा आपको मैं सारा लोकेशन दिखाता रहूंगा, ताकि आप लोग को भी पता चले कि यहाँ पर हमें कैसे आना है। मुझे थकान लग रही है, आप मेरी परछाई देख रहे हैं, मेरी परछाई मेरे आगे आगे चल रही है और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब करीब हम मंदिर के पास है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से हमें और एक मंजिल पार करनी है। आप देख सकते हैं रास्ता किस तरह का है, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको चोट भी लग सकती है। यहाँ पर आप धीरे धीरे
पैर रखें जैसे मैं रख रहा हूँ। आपकी पैर रखने की गलती आपको गिरा सकती है। अभी मैं यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बैठने के लिए एक पत्थर बड़ा है, यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, बैठ के आराम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और व्यू दिखाऊंगा जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये देखिए लोग नीचे से ऊपर आते हुए। ये देखिए, मैं आपको एक और लोकेशन दिखा रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब में, सोशल मीडिया में अगर चाइना के वॉल के बारे में आप सोच रहे हैं और आप जा नहीं पा रहे और आपको ऐसा ही मजा लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। वो देखिए जो लाइन चल रही है वो वॉल बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से है। ये यहाँ से भी रास्ता जाता है, लेकिन हमारी मंजिल इस तरफ नहीं है। हमारी मंजिल वो मंदिर है और हमें मंदिर के ऊपर दर्शन करने जाना है। अभी हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ियाँ है चढ़ने के लिए। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है यहाँ पर चढ़ने के लिए, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी होल्ड करूँगा। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा बैठूँगा, हाँ मुझे थकान लग रही है और मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। जो कि मैं आपको बता दूँ, आप जब भी कोई ऐसी जर्नी कर रहे हैं या हिल पर चढ़ रहे हैं तो आप अपने पास पानी रखिए, ताकि आपको पानी की प्यास लगे तो आप पानी पी सके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब हमारी जर्नी को। ये सीढ़ियाँ बहुत ही ढलान में ऊपर है, मुझे संभल कर चलना होगा। अब हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। अब थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर है जो आ जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ सीढ़ियों का थोड़ा बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही पुराना डूंगर है और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी है वही बहुत पुरानी है, थोड़ी बहुत जर्जरित भी हो गई है, गिरने का भी डर रह सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग इस जगह की मुलाकात ज़रूर लेंगे। अब मैं मंदिर के बिल्कुल पास आ गया हूँ। ये देखिए वॉल ऑफ चाइना की तरह दिखने वाला ये व्यू आप देख लीजिए। आप जब भी यहाँ पर आएंगे और इस वॉल के साइड में आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम चाइना की वॉल ऑफ चाइना पे चल रहे हैं। आइए अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं।
और देखते हैं मंदिर बंद है खुला है, फिर वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ताकि मैं आपको और व्यूज दिखा सकूं। अभी हमारे सामने बिल्कुल सूरज की किरणें आती हुई है, ये हमारा मंदिर आ गया है, ये अभी बंद है। ये भी भुजंग दादा का मंदिर है, मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखा सकता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर अभी ताला मारा हुआ है तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। मैं अब आपको दिखाऊंगा मंदिर से जो बूथ सिटी है वो कैसा दिखता है, आप ये देख रहे हैं। इस तरफ जो हिस्सा है वो बूथ सिटी है और मंदिर के उस तरफ जो है वो है माधापुर करके टाउन है, वो बहुत ही अच्छा टाउन है। मैं वहाँ पर 2-3 बार गया हूँ, मुझे वहाँ के लोग भी अच्छे लगे और वहाँ पे लोग रिस्पांस भी अच्छा देते हैं। और आप देख सकते हैं अब आपको चाइना की वॉल की तरह ये दिखता हुआ आप देख सकते हैं। मैं तो आपको बोलना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आए और इस वॉल ऑफ गुजरात यानी कि कच्छ भुज और भुजंग देव डूंगर की आप मुलाकात ले, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं इस तरफ भी मैं आपको पूरा फ्रंट और पूरा व्यू दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये भुजिया डूंगर देख लिया, आपने बातें सुनी होगी लेकिन आज मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है और आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ भी कैसा नज़ारा है और इस तरफ भी आपने नज़ारा देख लिया है। मैंने आई होप कि मैंने अपने सारे रिकॉर्डिंग के अंदर आपको सारा व्यू कवर कर लिया है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकता हूँ, आप मेरे पीछे भी जाइए। आप वहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से सीढ़ियाँ उतर निकली है, सीढ़ी उतरते आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से भी हम थोड़ा आगे चलेंगे। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जो एक वॉल है और वॉल के उस तरफ एक लोकेशन मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है आप अगर फोटोशूट के बहुत शौकीन है और ट्रैकिंग करना है तो आप बेशक यहाँ पर आ सकते हैं। मैं आपको वहाँ का लोकेशन भी दिखाऊंगा जहाँ पर आप फोटोशूट भी कर सकते हैं और यहाँ की जो ट्रैकिंग है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आइए मेरे पीछे। आ जाइए मेरे पीछे आइए आप। ये देखिए यहाँ से आपको भूत सिटी दिखता हुआ, आप भूत सिटी को भी देख सकते हैं। आइए आप, और मैं आपको एक और लोकेशन दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। और मैं आपको एक और लोकेशन भी दिखाऊंगा जहाँ पर आप फोटो सेशन के, अगर आपको फोटो सेशन का बहुत ही शौक है, अगर आपको इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स या चिंगारी या MX टकाटक जैसे आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप यहाँ से वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए वाह अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लोकेशन है ये। अगर आप यहाँ पर कोई भी वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये लोकेशन। आप देख सकते हैं मैं आपको पूरा का पूरा ये लोकेशन दिखाऊंगा। आ जाइए ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको भी आई होप बहुत ही अच्छा लगेगा। वहाँ से यहाँ से
अभी हमें एक और रास्ता भी देखना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आ जाइए, ये देखिए जो सामने में दिख रहा है, जो वॉल ऑफ चाइना जैसा लोकेशन है, आप देख सकते हैं। ये देखिए भाई, मैं तो इसे वॉल ऑफ गुजरात कहूँगा। आपने वॉल ऑफ चाइना देखा होगा, लेकिन आप एक बार यहाँ पर आइए तो आपको वॉल ऑफ गुजरात भी दिख जाएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए, मैं वापस से वही लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप कोई भी वीडियो शूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोई भी रील्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सारे लोकेशन आप देख सकते हैं। मैं आई इसके ऊपर आपको चढ़ के दिखाऊंगा कि पीछे का नज़ारा कैसा दिखता है। ओ माय गॉड, अमेजिंग! ये आप देख सकते हैं किस तरह का लोकेशन है ये। ये देखिए बहुत ही अच्छा, गजब। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं अपनी लाइफ की ये जो जर्नी है मिस कर देता। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप लोग भी इस जर्नी पर आइए और इस लोकेशन के बारे में जानें। आई होप को मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक बार मुलाकात लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का जो नाम है MK's जर्नी, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस तरह के वीडियो दिखा सकूं। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।